स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दूरगामी होंगे परिणाम। कर्नाटक सरकार ने क्लास में हिजाब के साथ एंट्री पर लगाई थी रोक, छिड़ गई थी देशव्यापी मुहिम। उडुपी की एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था विवाद, छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोका गया था। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज के कक्षा के भीतर हिजाब को बैन किया था और हाईकोर्ट ने लगाई थी इस पर मुहर। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की सुनवाई कर आज फैसला इस पर आएगा। मुरादाबाद पुलिस ने की थी रेड, काशीपुर पुलिस को खबर तक नहीं थी। खनन माफिया जफर पर 50,000 का था इनाम, एसडीएम पर हमले का भी केस था। 50,000 का इनामी था जफर, जो कि खनन माफिया था, और उसी की सूचना पे हॉट परसूट में हमारी पुलिस टीम उत्तराखंड में। यूपी में मदरसों के सर्वे पर आए रिपोर्ट, रिपोर्ट में दावा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे। अवैध मदरसों को भेजा गया नोटिस, इसको लेकर तेज हुआ विवाद, नोटिस से मदरसा संचालक सकते में। अलीगढ़ के एयरपोर्ट, जिले में अवैध कुल 103 मदरसे। मुरादाबाद की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई, सर्वे में 585 मदरसों का नाम मिला जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। उत्तराखंड सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया, मदरसों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गुजरात में चुनाव प्रचार तेज, आज से 3 गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी में गुजरात में गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाई, जेपी नड्डा ने कल मेहसाणा से कांग्रेस पर भी किया बात। एंटी इनकम्बेंसी को पार्टी नहीं मानती है, फैक्टर नड्डा ने मेहसाणा से गौरव यात्रा को रवाना करते हुए बात कही। कुल 5 गौरव यात्रा निकलेगी, 20 अक्टूबर तक चलेगा सिलसिला। प्रदेश में 182 में से 144 सीटें इसमें होंगी कवर। बीजेपी की लगातार फिक्र, प्रदर्शन गिरता जा रहा, 2002 में 127 सीटें थी, 2017 में 99% थी बीजेपी। आज भी मोदी का हिमाचल के दौरा, ऊना चंबा के लोगों को सौगात देंगे। ऊना से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, तेज रफ्तार है वंदे भारत की पहचान। गुजरात आपके चीफ एनसीडब्ल्यू के आज उनसे पूछताछ, प्रधानमंत्री मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। खड़गे के बयान पर बीजेपी भड़की, खड़गे ने कहा था कि बकरीद से बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। दिल्ली में सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ गुस्सा बढ़ा, मुस्लिम संगठनों ने की कार्रवाई की मांग, सुंदर नगरी में कहा था मुस्लिम समुदाय का करो बहिष्कार। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव तेज पर, यहां पर प्रचार बहुत तेज, दिल्ली में प्रचार करेंगे शशि थरूर। दिल्ली में बाढ़ का कहर, आज 5 और जिलों का सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री योगी। दिल्ली में आबकारी नीति पर जांच तेज, ईडी और सीबीआई कर सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। येदियुरप्पा के राहुल गांधी को बच्चा कहने पर राज सिद्धारमैया बोले, प्रधानमंत्री मोदी राहुल की तरह करें मीडिया के सवालों का सामना। देश में फिर से महंगाई की मार, खुदरा दर सितंबर में 7% के पार।